श्री गणेशाय नमः। राधा राय। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल बतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव कर रखा है तो शरीर के कौन से अंगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दोस्तों मेरे भी दो बेबी बॉय हैं और मुझे भी अपने शरीर के कौन से अंगों में सबसे ज़्यादा दर्द रहता था वो भी मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। साथ ही दोस्तों ये बात ज़रूर है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है और दर्द भी मतलब काफ़ी सारे अंगों में आपके बना रहता है। तो दोस्तों आज हम उसी की चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें। दोस्तों ये केवल आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनाई गई वीडियो है, क्योंकि देखिए जिन पर एक या दो बेटी होती है उनको बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है कि कहीं अब हमें लड़की ना हो जाए, और जिनको देखिए लड़का है उनको मतलब चाह होती है कि उन्हें लड़की हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप गलत तरीके से बिल्कुल भी लें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो देखें स्टार्टिंग के दिनों से ही आपको अपने सिर में हल्का फुल्का दर्द बना ही रहता है। अगर आपको ये दर्द पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हो रहा है, यानी आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये साइन भी देखें कहीं ना कहीं लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव करा होता है तो आपको इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। हल्का फुल्का आपको देखिए दर्द रहता है, लेकिन ज़्यादा दर्द शरीर के अंगों में नहीं रहता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें 7वें 8वें महीने में, तो आप हाथ लगाकर भी महसूस कर सकते हैं कि अगर आपके पेट के निचले हिस्से में यानी नाभि के निचले हिस्से में अगर आपको हल्का फुल्का दर्द बना ही रहता है तो ये लक्षण भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कमर में दर्द होने लगता है, यानी कमर में दर्द आपके बना हुआ है और थोड़ा सा भी आप काम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको कमर में दर्द होने लगता है। अगर ऐसी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है, क्योंकि ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर 100% बिल्कुल सही बैठा था। दोस्तों अगले लक्षण की बात करें तो अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में या निप्पल में हल्का फुल्का अगर आपको दर्द हो रहा है, या आप अपनी जैसे ब्रेस्ट को जैसे दबाते हैं हाथ लगाते हैं तो आपको अपनी ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, निप्पल में अगर आपको दर्द देखने को मिल रहा है, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगले लक्षण की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही सटीक लक्षण है और ये 100% मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मुझ में सही बैठता था। दोस्तों एक तो अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपको नींद बहुत कम आती है, यानी नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती है, रात में भी आपको कई बार नींद खुलती है, जिस वजह से आपको आँखों में जैसे दर्द होने लगता है। आँखों में मतलब नींद पूरी ना होने की वजह से अगर आँखों में भी अगर आपके हल्का हल्का दर्द हो रहा है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव कराया है तो आपको नींद बहुत कम आती है, और ये मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे तो देखिए 100% बिल्कुल सही बैठता है। वहीं पर कहा जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव करा होता है तो आपको जो नींद है चैन की नींद आती है, यानी नींद आपको पूरी आती है, ऐसा नहीं है कि भी बार बार ही आपकी नींद टूट रही है। अगर आपको अच्छे से नींद आ रही है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। अगले लक्षण की बात करें तो दोस्तों अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपके पैरों में टांगों में बहुत ज़्यादा आपको दर्द देखने को मिलता है, पैरों में ऐंठन होना, पैरों की पिंडलियों में दर्द होना, यहाँ तक कि कई बार पैरों में जैसे बल पड़ जाता है, झंझनाहट होती है, इस तरह की दिक्कत अगर आपको पैरों में देखने को मिल रही है या पैरों में आपके स्वेलिंग आ गई है तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर आपने बेबी गर्ल को मतलब कंसीव कराया तो आपको दर्द नहीं होता, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपको देखिए पेट के ऊपरी हिस्से में यानी नाभि से ऊपरी वाले हिस्से में अगर ज़्यादातर आपको दर्द रहता है या उसमें आपको ज़्यादातर बच्चे की हलचल महसूस होती है, मतलब पेट के ऊपरी वाले हिस्से में अगर आपको ज़्यादा दर्द या हल्का फुल्का दर्द होता रहता है तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। दोस्तों काफ़ी हद तक अगर आप में ये दर्द देखे जा रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मेरे भी दो बेबी बॉय हैं और मुझे भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, और मेरे हेडेक की प्रॉब्लम देखे रहती थी और पेट के निचले हिस्से में भी दर्द बना रहता था और कमर में भी बहुत जल्दी जल्दी मुझे दर्द होता था। दोस्तों अगर आप में भी मतलब आपकी बॉडी में भी अगर आपको ये ऐसे दर्द बने हुए हैं आपकी बॉडी के इन अंगों में, तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम हो रही है, दर्द अगर आपको हद से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि लापरवाही करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आप सभी को
ओम श्री गणेशाय।